ध्यान और योगा हमारे धर्मों की महान देन है। ध्यान से वो कुछ पाया जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, और योगा शरीर को वो तंदुरुस्ती देता है जो बड़ी बड़ी दवाइयों से, बड़े बड़े रिसर्च से, साइंस के द्वारा लोग देना चाहते हैं। योगा उससे भी कहीं आगे जाके इंसान को ताजगी और तंदुरुस्ती देता है। जिस आसन में आपके सामने हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में बोलें तो आसान आसन कहा जाता है, और ध्यान में बैठने के लिए यह आसन बहुत ही बढ़िया है। अगर इसका वैज्ञानिक तरीका देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अपर साइड पे रहता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अपर बॉडी में होने की वजह से हमारे शरीर को बहुत ताजगी देता है, बहुत तंदुरुस्ती आती है, और उसकी वजह है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा असर करती है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, कभी दिमाग को भी ऑक्सीजन दी जा सकती है? जी हां, हमारे ऋषि मुनि, संत पीर पैगंबरों ने, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने, और उनमें से बहुत सारों ने ऑक्सीजन डायरेक्ट अपने दिमाग को दी है, और उनकी उम्र हजारों साल रही है। कौन नहीं चाहता कि तंदुरुस्ती हो? कौन नहीं चाहता कि ताजगी हो? हर कोई चाहता है। और कितना आसान है तंदुरुस्ती, ताजगी, विल पावर, आत्मबल और आत्मिक शांति को हासिल करना। आप थोड़ा समय योगा और ध्यान के लिए जरूर निकालें।